ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। एक तरफ आधे घंटे का भाषण, एक तरफ तीन चार लाइनें बस। मैंने बोल दिया था, मेरे सामने बैठे थे पार्लियामेंट में, जब डी राजा जी, मेरे और बहुत से साथी बैठे हैं जो पार्लियामेंट में अभी भी हैं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं वो कलम रुक जाती है। हर बात पे जुमला चल रहा है ना, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी, हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? शायद वो भी ना आती हो, वो भी जुमला ही होगा। हर बात पे जुमला, कुछ तो सच बोल दो इस देश के लिए, कुछ तो सच बोल दो देश के लिए। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जैसा कि कहा जा रहा था कि केरला में हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दो, नहीं कर रहे, ऐसी में हमारे साथ कर रहे हैं। मोहाली और अमृतसर को इंटरनेशनल कर दो, पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं, हमें दिल्ली का सफर आना जाना जो है कम हो जाएगा, नहीं करते। अपने बंदों को दे रखे हैं सारा कुछ,